उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री केयर फंड से मिले 25 वेंटिलेटर आखिरकार चालू कर दिए गए हैं। इसके चालू हो जाने से कोरोना से संक्रमित मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही आईसीयू युक्त वेंटिलेटर को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए कोरोना वार्ड से निचले तले में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। वहीं दरभंगा के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि डीएमसीएच में सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए 35 वेंटिलेटर शुरू हो जाने से बड़ी राहत महसूस की जा रही है। साथ ही शुरू हुए वेंटिलेटर की सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अस्पताल अधीक्षक के द्वारा नई मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की है। 25 वेंटिलेटर जो हमें मिला था डीएमसीएच में, उसका चालू करने के लिए पहले से काफ़ी हम लोग प्रयासरत थे। तकनीकी कारणों से दो बार ड्राई रन सफल होते हुए चालू नहीं करा पाए थे, लेकिन परसों हम लोगों ने पाइपलाइन और मैनिफोल्ड को अलग करते हुए इसको चालू कराया। ऑक्सीजन बिल्कुल सीमित लेवल पर वो ले रहा है और खुशी की बात है कि अतिरिक्त मैन पावर भी हमें मिल गया। तो सारे वेंटिलेटर चालू करा दिए गए हैं। आज 3 पेशेंट वेंटिलेटर से वेंटिलेटर का लाभ ले रहे हैं और 3 पेशेंट्स आज शाम तक वेंटिलेटर में शिफ्ट कराए जाएंगे। तो इस प्रकार काफ़ी सुविधा बढ़ाई गई है और बहुत ज़रूरी था, ये ज़रूरी कदम था। पहले से 7 वेंटिलेटर चल रहा है, इसके साथ 26 वेंटिलेटर का आईसीयू भी चालू कराने से 33 वेंटिलेटर हमारे यहाँ चालू है। दरअसल प्रधानमंत्री केयर फंड से मिले 25 वेंटिलेटर को चालू करने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, जिसके चलते दो बार ड्राई रन होने के बावजूद भी चालू नहीं हो सका। लेकिन 22 मई को तकनीकी समस्या को दूर करते हुए ड्राई रन किया गया, जिसकी सफलता के बाद रविवार को पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर पर 2 मरीज को रखा गया। इसके साथ ही वेंटिलेटर सुचारू रूप से चलाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कई कर्मियों की नियुक्ति की है। दरभंगा से सुनील भारती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।